हेलो फ्रेंड्स, रसोई रेस्टोरेंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ कि पनीर बटर मसाला कैसे हम बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पनीर बटर मसाला यानी पनीर और बटर, यहाँ पे पनीर और बटर आ रहा है। तो पनीर और बटर मसाला बनाने के लिए पनीर चाहिए और बटर। तो बटर मसाला हम लोग का सबका फेवरेट होता, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, सभी का फेवरेट होता है पनीर बटर मसाला। आप रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो जवान में ही रहता है कि पनीर बटर मसाला, सबकी फेवरेट होती है बटर मसाला, पनीर बटर मसाला। तो उसको बनाने के लिए हमने लाया है बहुत इजी तरीके से, बहुत कम समय में, और क्योंकि बन जाए है और बहुत कम मटेरियल में। हम इस तरीके से बताएंगे जो आप लोग बहुत कम मटेरियल में बना सकेंगे और बहुत कम समय में। और पनीर बटर मसाला बनाना कोई हमारे लिए बहुत टफ नहीं है, बहुत इजीली यह बन जाता है, बहुत इजी वे में। तो देखिए, मैंने बनाने के लिए 4 मैंने टमाटर ले लिया है और कुछ मैंने प्याज ले लिया है, 7-8 प्याज मीडियम साइज़ का है, कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं तो कुछ मीडियम हैं। इन सभी प्याज को अच्छे से हम पहले छील लिए थे, उसके बाद हम अच्छे से इसे धो लेंगे, अभी धोए नहीं हैं। उसके बाद हम इसे पतले पतले कट करेंगे, पतला पतला कट करेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं, ताकि ये तुरंत गल जाए। और टमाटर है, इसे भी हम फाइन कट कर लेंगे ताकि ये भी तुरंत मेरा सॉफ्ट हो जाए और गल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले प्याज को धोते हैं, उसके बाद हम आप लोग को वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो प्याज को पहले धो लेंगे अच्छे से 3-4 पानी से, उसके बाद ही हम इसे कट करेंगे। और यहाँ ध्यान रखना है कि हमें पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हमें प्याज को थोड़ा फाइनली कट करना है। तो फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों को वीडियो में हम दिखा रहे हैं कि हमें प्याज कैसे कट करना है। तो देखिए, हमें फाइन ऐसे ही कट करना है, पतला पतला, ज़्यादा मोटा भी नहीं। अब देखिए हम कैसे कट कर रहे हैं, आप लोग वीडियो में जैसे दिख ही रहा होगा, तो आप लोग भी ऐसे ही कट करें प्याज को जैसे हम कट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने फाइनली टमाटरों को कट कर लिया है टुकड़े टुकड़े में, देखिए इस तरह। और देखिए मैंने प्याज जितने सारे थे सभी को मैंने कट कर लिया है, और इन सभी को अब देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और गर्म होने के लिए इसमें मैंने तेल भी डाल दिया है। आप जो भी तेल खाने का यूज करते हैं आप इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने तेल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, कम से कम 2 चम्मच तेल होगा इसमें, ज़्यादा तेल अभी नहीं डालना है। अभी ज़्यादा तेल हम लोग यूज नहीं करेंगे प्याज को भूनने में और टमाटर को भूनने में। अब मेरा तेल देखिए फाइनली गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे, देखिए एक बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, कुछ क्लौव है, और देखिए कुछ छोटे छोटे तो कुछ जीरा है। तो इन सभी को पहले डालते हैं, और कुछ लहसुन की कलियां हैं, देखिए कुछ लहसुन की कलियां हैं, इन सभी को अच्छे से मैंने छील लिया है, और इन सभी को अब हम इसमें डालेंगे और सभी को मिक्स करके कुछ कुक करेंगे। तो आप लोग देखिए आगे का प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, देखिए हम तेल गर्म हो गया, फाइनली इसे हम डाल रहे हैं। अब फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम में, लो में, ज़्यादा हाई में नहीं रखेंगे, और लो में करके इसे कलियां भी डाल देते हैं। इन सभी को कुछ 2 मिनट के लिए भून लेंगे लो फ्लेम में, लो में ही भूनेंगे, हाई में नहीं। तो फ्रेंड्स, देखिए हमने लहसुन को डालने के बाद प्याज को डाल दिया है, अब इसे हम कुछ 1 मिनट के लिए भून लेंगे, उसके सॉफ्ट होने देंगे थोड़ा सा, देखिए सॉफ्ट होने देंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर रखेंगे, टमाटर मिक्स करेंगे, देखिए टमाटर मिक्स कर दिए। अब इन सभी को हम थोड़ा मिक्स कर देंगे, मिक्स करते हुए चलाते हुए ऐसे 2 मिनट तक चलाएंगे, और थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। उसके बाद थोड़ा पानी देके इसे ढक देंगे। तो देखिए हम पानी इसमें डालने जा रहे हैं, करीब आधा कप पानी डालेंगे इसमें, आधा कप पानी डाल के इसे ढक देंगे। देखिए पानी डाल रहे हैं इसमें, पानी इसमें फाइनली हम डाल दिए हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स, टमाटर को गलने के लिए थोड़ा सा नमक डाल दें, आप स्वाद अनुसार नमक डालें इसमें,
तो फ्रेंड्स इन सभी को ढक के हम इसे 10 मिनट तक सॉफ्ट होने देंगे। तो देखिए ढक देते हैं, अब ढकने के बाद इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें, अब सॉफ्ट होने के लिए। उसके बाद दिखाते हैं प्याज और टमाटर को। तो फ्रेंड्स देखिए फाइनली मेरा प्याज और टमाटर दोनों सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम निकाल के एक बर्तन में इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसे हम पीसेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए जो प्याज मैंने टमाटर जो गलने के लिए दिए थे उन सभी को मैंने ठंडा कर लिया, उसके बाद मैंने मिक्सी के जार में पीस के रख दिया है। देखिए अब फैन पूरा मही पीसा है, पीसना है हम लोग को पूरा मही, देखिए किस तरह इस तरह पूरा पीसना है। तो उन सभी को मैंने सभी को पीस दिया है, देखिए कितना फाइनली कितना अच्छा से पिसा गया है और देखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इसी तरह पूरा मही आप लोग को पीसना है। और देखिए मैंने उसके बाद कढ़ाई इधर गर्म होने के लिए चढ़ा दिया इसे पकने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा कढ़ाई अब गर्म हो गया है, अब इसमें हम दाल डालते हैं तेल, 4 चम्मच करीब तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल का यूज नहीं करेंगे। देखिए मैंने इतना ही तेल डाला है, इसको गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए जितने भी हम लोग प्याज को जो मिक्सी में जार में पीस लिए थे उन सभी को मैंने तेल में डाल दिया है, अब इसमें हम कुछ मसाले मिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स हम पनीर बटर मसाला में मसाला ज़रूर डालना, क्योंकि बटर मसाला है तो मसाला तो इसमें आएगा ही। तो मसाले में हम डाल रहे हैं 1 चम्मच आधा चुटकी 2 मतलब करीब आधा चम्मच से कम ही हल्दी पाउडर, ज़्यादा ना डालें हल्दी, कम डालें हल्दी। देखिए मैंने आधा चम्मच से भी कम लिया है हल्दी। अब इस हल्दी को हम डालते हैं इस मसाले में। तो मेरा हल्दी हो गया, अब हम मिर्च डालेंगे। तो आप लाल मिर्च जितना तीखा खाते हैं उतना आप डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच करीब भर के आप लाल मिर्च डालें, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच धनिया पाउडर। तो इन मसालों को मिक्स कर देंगे, अब सभी को हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसे लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए इसे पकने देंगे, ताकि मेरा ये मसाले हैं अच्छे से पक जाए और फिर किनारे किनारे तेल छूटने लगे। तो इसे 10 मिनट के लिए पकने देते हैं लो मीडियम फ्लेम में। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा मसाला अब पक गया है, अब इसमें हम डालेंगे दूध। अब दूध डालें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए दूध का छाली डाल रहे हैं, इसमें क्रीम का ये काम करता है। और इसमें आप दूध डालें, पानी के जगह दूध का यूज करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो हम पानी के जगह दूध का यूज कर रहे हैं, तो आप लोग भी दूध का ही यूज करें, बहुत ही टेस्टी और बनेगा आप लोग का। अगर आप लोग बटर तो पनीर बटर मसाला है तो इसमें बटर डालना ज़रूरी है, तो लास्ट में आप लोग बटर डाल दें, इसमें ही पिघल जाएगा। इन सभी को मिक्स कर दें और 2 मिनट तक इसे पकने दें, उसके बाद ही सर्व करें। देखिए अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट तक इसे पकने देंगे। का यूज कर रहे हैं, देखिए पनीर मैंने कट कर लिया है, अब इसमें हम डाल देंगे पनीर। अब मसाला मेरा पक गया है, तो अब इन सभी को कर देंगे हम मिक्स। अब चला के ऐसे मिक्स करना है, और ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं, ना तो पनीर टूट सकता है। और देखिए कितना सुंदर और टेस्टी और लाजवाब दिख रहा है, खाने में उतने ही टेस्टी है। देखिए और देखिए पनीर बटर मसाला, इसमें मैंने बटर का भी यूज किया है, और आप लोग जैसे बताया कि पानी के जगह मैंने दूध यूज किया है। और दूध डाल के देखिएगा आप लोग का बहुत टेस्टी लगेगा पनीर बटर मसाला। देखिए फाइनली पक गया है, अब मेरा तेल भी किनारे किनारे छोड़ दिया है, और मसाला मैंने बहुत अच्छा से इसके भुना था, जिसके कारण से ये बहुत ही टेस्टी बना है। और आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगेगा, आप लोग को बताते हैं बहुत अच्छा लगेगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और शेयर करना भी इसे ना भूलें। तो जितना हो सके इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए पनीर बटर मसाला बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, इसे गेस्ट भी मज़े लेके खाते हैं। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो क्यूपली इसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए किनारे किनारे कितना अच्छा मेरा ऑयल छूटा हुआ है, और कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है, कितना अच्छा से बना हुआ है, और खाने में उतना ही टेस्टी है। तो आप लोग ज़रूर बनाएं और ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।